नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। मैंने आपको Facebook में एक पोस्ट डाला था जहां पर मैंने बताया था कि जो एपिलेप्सी के जो मरीज है, जो हमारे यहां से जो मेडिसिन जिनको चल रहा था, क्योंकि आजकल लॉकडाउन के वजह से यहां से आप तक मेडिसिन नहीं पहुंच रहा है, तो मैं आज आपको कुछ घरेलू कुछ नुस्खे बताने जा रहा हूं जो यकीनन बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन ये दवाई उन्हीं के लिए है जिनकी तासीर गर्म प्रकृति है, जिनका गर्म प्रकृति है, जिनको भूख ज़्यादा लगता है, पसीना शरीर से आता है और जिनका चिड़चिड़ा स्वभाव है आदि, जो पित्त प्रकृति के जो दोष है। आप गूगल में सर्च करना, यदि वो दोष आप में अगर है, आपके शरीर में कुछ वैसा सिम्टोम है और साथ में आपको एपिलेप्सी भी है, तो आप गूगल में सर्च करिए कि पित्त दोष का क्या क्या सिम्टोम्स है, और यदि आपको वो हूबहू वैसा दोष है तो आज अब मैं आपको जो मेडिसिन बताने जा रहा हूँ वो आप अपने घर में आसानी से आसपास इधर उधर से खेतों से जंगलों से या अपने घर के आसपास से चीज़ें कलेक्शन करके बनाइए। बहुत आसान ये तरीका है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूँ कि यदि आप घर से बेवजह बिना कारण यदि आप घर से बाहर निकलते हो तो ये आपके लिए बहुत घातक और बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए संभवतः प्रयास कीजिए कि घर के अंदर ही रह करके अपना ट्रीटमेंट चलाइए। आपने क्या करना है, आप गूगल में सर्च करिए निरगुंडी का पौधा। यदि आपके आसपास में यह निरगुंडी का पौधा मिलता है तो उसको उखाड़ के ले आइए, और उखाड़ करके उसके जड़, एक जड़ लेना है और अपामार्ग का जड़, अपामार्ग भी आप गूगल में सर्च कीजिएगा, इन दोनों जड़ को उखाड़ के ले आना है। ला करके इसको रोज सुबह एक एक जड़ को कूट करके इसको पानी से इसको अच्छी तरह से सिलबट्टे में डाल के पीसिए, और उसके बाद इसे रोज सुबह सुबह बेहद सुबह जब रोगी उठेगा तो खाली पेट इसको दे करके इसको पिला करके तकरीबन एक घंटे तक आपने परहेज रखना है, चाहे खाना पीना कुछ भी हो। उसके बाद आप चाहे तो थोड़ा सा एक्सरसाइज प्राणायाम कुछ ऐसे चीज़ें आप जरूर करिए, थोड़ा सा आप इसमें प्राणायाम मेडिटेशन वगैरह करना इन दिनों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एपिलेप्सी के जो मरीज विशेष करके ब्रेन के जो नसों से संबंधित समस्या से ग्रसित होते हैं, उनकी जो मानसिक जो स्थिति है वो भी अधिक स्ट्रेस की वजह से, टेंशन के वजह से ज़्यादा मेडिसिन खाना, कब तक खाए, क्या होगा क्या नहीं होगा, डॉक्टर भी डर दिखाते आदि बातों से वो वैसे ही बेचारे टेंशन में होते, तो कोरोना के इस भयावह इन दिनों में उनके जो टेंशन है और ज्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए इस स्ट्रेस से आप तभी बच पाएंगे जब आप बिल्कुल हल्का भोजन करें, ऐसा भोजन, ऐसा खाना, ऐसा पेय पदार्थ जो कि जल्दी से बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के आपके डाइजेस्ट सिस्टम को उसको डाइजेस्ट करने में, पचाने में सहयोग करे, या ऐसे भोजन करना जो कि आसानी से जल्दी बिना किसी प्रयत्न के वो डाइजेस्ट हो सके पहली बार। दूसरी बात, मेडिटेशन एक्सरसाइज करना है, शरीर को थोड़ा पसीना निकालना है एक्सरसाइज आदि करके, भस्त्रिकासन है, प्राणायाम है, लोम विलोम आदि जो बाबा रामदेव बताते हैं वो सारे क्रिया करना, सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है और भरपूर नींद को आपने जरूर करना है। रात में अगर आप नहीं सोते तो आपको दिक्कत होगा। तो निर्गुंडी का जड़ और अपामार्ग का जड़, इन दोनों को अगर आपके यहाँ मिलता है तो इसको जरूर पीस करके इसका जो पेस्ट है, इसके जो रस है, उसे आपने सुबह सुबह खाली पेट पीना है। एक दूसरा विधि है, रात में सोने से पहले बादाम का तेल और तिल का तेल, इन दोनों तेल में थोड़ा सा मेथी का तड़का लगाइए, अपने सिर के जो ये शिखा है ना, ये जो शिखा वाला जो बिल्कुल सेंटर है, यहाँ पर 10 बूंद इस तेल को डाल करके रात में सोने से पहले हल्का मसाज करना है। उसके बाद पैर के दोनों तलवे में 3-3 बूंद इस तेल को डाल करके आपने मसाज करना है, इसको करके आपने रात में सोना है। और एक दूसरा बहुत अच्छा एक दवाई है जिसमें आपने क्या करना, काला तिल 200 ग्राम ले लेना और इसको 24 घंटे तक पानी में भिगो के रखना है, और उसके बाद उसको हाथ से मस लेंगे तो बाहर का जो ब्लैक वाला जो छिलका है वो निकल के बाहर निकल जाएगा, छान लेना, सफ़ेद वाला अंदर का जो भाग है वो रह जाएगा, तो इसको दोबारा सुखा लेना, सूखने के बाद इसको पीस लेना अच्छी तरह से ग्राइंडर में, मिक्सी में। उसके बाद आता है सन का बीज, इसे आपने 100 ग्राम लेना है और इसमें इसको भी अच्छी तरह से कपड़ छान इसको पीसना है।
इन दोनों को मिक्स करके आप अब क्या करेंगे, बेल के पत्ते ले आना और उस हरा जो पत्ते हैं उसको ले आकर के पीस लेना अच्छी तरह से, और उसको रस निकालना और उस रस से एक खरल में डाल करके, खरल में इन दोनों पाउडर को 200 ग्राम काली तिल छिलका को निकाल करके सुखा करके पाउडर बनाया अलग से, 100 ग्राम सन का बीज इसको भी पीस करके, फिर आप खरल है तो खरल में, नहीं तो सिलबट्टा जहां हम चटनी अचार वगैरह पीसते हैं वहां पर इस पाउडर को रख करके ऊपर से बेल बिल्व पत्र के जो ताज़ा रस है उसको डाल डाल करके अच्छी तरह से उसको पीसते जाइए। तकरीबन भी इसमें आधा लीटर या उससे कुछ अधिक इस रस को, बेल के रस को वहाँ पर जज्ब करके, बिल्कुल जज्ब करिए उसको, पीस करके पूरा उधर खत्म मिक्स कर लीजिएगा, ख़त्म कर दीजिए वो पानी को, उस रस को। उसके बाद दोबारा इसको धूप में सुखाइए, सूखने के बाद बिल्कुल पाउडर होगा, अभी इसे डिब्बे में रखिए। सुबह और शाम को भोजन करने से आधा घंटा पहले आपने ताज़ा पानी के साथ इसको एक एक चम्मच आपने लेना है। तो यह दवाई आपको तकरीबन भी लगा लो 3 या 4 महीने तक आपके शरीर में एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएगा, और सबसे बड़ी बात है शरीर के अंदर की जो गर्माहट है ना उसको ख़त्म करके शरीर में शीतलता प्रदान करेगा। आपके ब्रेन के नस में जो गर्मी है उसे ये कंट्रोल करेगा, और ये लगा लो कि जो एपिलेप्सी है, जिस कारण से एपिलेप्सी होता है वहाँ पर भी अच्छा काम करेगा। लेकिन ब्रेन के नस अगर सूखा हुआ है और अगर कफ प्रकृति का आपका शरीर है तो ये दवाई आपको काम नहीं करेगा। ब्रेन के नस अगर सूखा हुआ है, कहीं अगर क्लॉटिंग है, कहीं ब्लड जमा हुआ है, या जो जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वहाँ पर ये दवाई शायद काम न करे। इसके अलावा पित्त प्रकृति वाले जो शरीर है वहाँ पर ये ज़रूर काम करेगा। तो कफ वालों के लिए मैं जल्दी आपके सामने दूसरा एक ट्रीटमेंट का मैं, ताकि घरेलू दवाई जब तक ये स्थिति या जो भयावह जो स्थिति है हमारे सामने है, जब तक पोस्ट ऑफिस खुलता नहीं है, जब तक हमारे यहाँ से आप तक दवाई नहीं पहुँचता, तब तक कम से कम इसको आप जल्दी से जल्दी इस दवाई को तैयार करके प्रयोग कीजिएगा, और उसके बाद आप सुरक्षित रहिए, संरक्षित रहिए, और एपिलेप्सी की जो लंबी लंबी जो भयावह जो अटैक है उससे आप ज़रा बच सके। और उसके साथ साथ अपनी जो शेड्यूल है, अपना जो टाइम टेबल है, उठना खाना पीना आदि ये सभी क्रियाएं आपने विशेष करके ध्यान देना है, क्योंकि मिर्गी के जो रोगी है उसके मानसिक जो स्थिति है और बौद्धिक स्थिति, ब्रेन की नस की जो वीकनेस पन अधिक होने की वजह से इन दिनों उनको देखभाल करना, उनको केयर करना उनके परिवार वालों का भी बहुत बड़ा फर्ज बनता है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो दवाई मैंने अभी आपको बताया ये अच्छा है, तकरीबन में 3-4 महीने तक आपको ये सुरक्षित रखे इतना मुझे यकीन है। तो दोस्तों आइए आज मुझे दे दीजिएगा विदा। जय श्री राम।